नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिंह और वृश्चिक राशि के लोगों के बारे में और जानेंगे कि सिंह और वृश्चिक राशि के लोगों को उनके जीवन में एक दूसरे से विवाह करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ जानेंगे कि विवाह के उपरांत वृश्चिक और सिंह राशि के लोगों का जीवन कैसा रहता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और जानते हैं वृश्चिक और सिंह राशि के लोगों के वैवाहिक संबंध के बारे में। दोस्तों, यदि बात करें राशि चक्र की तो राशि चक्र में सिंह राशि पांचवें स्थान पर मानी जाती है, जिनके स्वामी ग्रह सूर्य भगवान माने गए हैं। वहीं पर वृश्चिक राशि राशि चक्र में आठवें स्थान पर मानी जाती है, जिसका स्वामी ग्रह मंगल को माना जाता है। दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार सिंह राशि के जातक अपने जीवन में अभिमानी और घमंडी स्वभाव के व्यक्ति माने जाते हैं। वहीं पर वृश्चिक राशि के जातक अपने जीवन में ईर्ष्यालु और अधिकार जमाने वाले व्यक्ति माने गए हैं। सिंह और वृश्चिक राशि के जातक दोनों ही अपने जीवन में एक दूसरे के गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इन दोनों ही लोगों का जीवन एक दूसरे के सामने सदैव उत्तेजना और संघर्षों से भरा रहता है। इसीलिए ज्योतिष विज्ञान के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सिंह और वृश्चिक राशि के लोगों का वैवाहिक संबंध बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। सिंह राशि के जातक अपने जीवन में राजसी स्वभाव वाले व्यक्ति माने जाते हैं, जिस कारण से सिंह राशि के जातक अपने जीवन में अपने राजसी स्वभाव का प्रदर्शन करते हैं और दूसरों पर सदैव अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वास्तव में वृश्चिक राशि के लोगों के द्वारा कभी भी ये बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती कि कोई भी व्यक्ति उन पर अधिकार जमाए, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातक अपने जीवन में दूसरों पर अधिकार जमाने वाले व्यक्ति माने गए हैं। वृश्चिक राशि के जातक अपने जीवन में दूसरों पर अधिकार तो जमा सकते हैं, लेकिन वास्तव में किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं रह सकते। इसी कारण से वृश्चिक और सिंह राशि के लोगों के बीच अक्सर मनमुटाव हो सकता है। सिंह राशि के जातक अपने जीवन में राजशाही जीवन जीने वाले व्यक्ति माने गए हैं। सिंह राशि के जातकों को उनके जीवन में दिखावा करना बहुत पसंद होता है। वास्तव में सिंह राशि के जातक अपने जीवन में प्रेम संबंधों को लेकर के बिल्कुल भी ईमानदार और निष्ठावान नहीं माने जाते। वहीं पर वृश्चिक राशि के जातक अपने जीवन में प्रेम संबंधों को लेकर के पूर्ण निष्ठावान और ईमानदार माने गए हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का उनके जीवन में प्रेम से बहुत लगाव होता है और ये उनकी भावना के साथ जुड़ा होता है। इस कारण से वृश्चिक राशि के जातकों को उनके जीवन में प्रेम को लेकर के कोई भी दिखावा या झूठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, जिस कारण से वृश्चिक और सिंह राशि के लोगों के बीच अक्सर टकराव होता है। सिंह और वृश्चिक दोनों ही राशि के लोगों का एक दूसरे के साथ वैचारिक मतभेद होता है, जिस कारण से इन दोनों के बीच अक्सर मनमुटाव या टकराव की स्थिति उत्पन्न होती रहती है, और दोनों ही राशि अपने आप में मजबूत और सक्षम मानी जाती है, जिस कारण से इन दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं होता। दोस्तों, सिंह राशि का तत्व अग्नि होता है, वहीं पर वृश्चिक राशि का तत्व जल माना गया है, और आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आग और पानी की दोस्ती होना बहुत ही मुश्किल या यूं कहें कि असंभव भी माना जाता है। दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि सिंह और वृश्चिक राशि के लोग आपस में एक दूसरे के साथ विवाह करते हैं तो वास्तव में विवाह के उपरांत इन दोनों ही लोगों के बीच अक्सर वैचारिक मतभेद उत्पन्न होंगे, जिस कारण से इन दोनों ही लोगों के जीवन में असमंजस और टकराव की स्थिति सदैव बनी रहेगी। विवाह के उपरांत अपने वैवाहिक जीवन को बनाए रखने के लिए, या यूं कहें कि अपने वैवाहिक जीवन को बचाए रखने के लिए, दोनों में से किसी एक को अपनी इच्छाओं और अपनी भावनाओं का त्याग करना पड़ता है। उसके उपरांत ही इस राशि के लोग आपस में एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।